what matters most, survival skills or flourishing skills? Good morning, everyone. I am Sreen Saini, career consultant, life coach and clinical psychologist. ये सवाल आज एक आया है एक स्कूल स्टूडेंट की तरफ से, और इस सवाल का जवाब मैं आज एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू देना चाहूँगी. स्टोरी है एक 6 years old छोटी सी बच्ची की, जो अपनी क्लास में बैठी होती है अपनी सोचों में गुम. आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर आती हैं और वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग असाइनमेंट देती हैं. सब बच्चे बड़ी उत्साह से, बहुत एक्साइटमेंट से ड्राइंग शीट्स निकालते हैं, कलर्स निकालते हैं, और जो भी मैम ने बोला होता है वो विजुअलाइज करके ड्रॉ करना शुरू करते हैं. लेकिन वो बच्ची उसी तरह बैठी रहती है ब्लैंक शीट लेके. शी डजंट टच एनी कलर. टीचर उसके पास आती हैं, स्माइल करती हैं, उसके सिर पर हाथ फेरती हैं और बोलती हैं, वी जस्ट साइन इट, और ब्लैंक शीट लेके बाकी सब बच्चों के साथ उसकी असाइनमेंट सबमिट कर देती हैं. अगले दिन फिर से एक टास्क दी जाती है और वो बच्ची कुछ नहीं कर रही होती, तो टीचर के एक बार प्यार से इंसिस्ट करने के बाद वो एक कलर निकालती है और छोटा सा डॉट बनाती है, और बस टीचर बोलते हैं साइन इट, और वो सबमिट हो जाता है. इसी तरह थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, हर बच्चा अपने अपने हिसाब से असाइनमेंट कर रहा होता है, लेकिन वो बच्ची एक दिन दो कलरफुल डॉट बनाती है, तीसरे दिन थोड़े से और कलर डॉट बनाती है, और फिफ्थ डे उन डॉट्स को लाइंस के साथ कनेक्ट करती है. जैसे जैसे उसके मन में जो जो विचार आता है वो उसको उस तरह से उसके ऊपर डिपिक्ट करती चली जाती है, और टीचर उसकी हर शीट को साइन करवा कर अपने पास रख लेती है. वीकेंड आ जाता है, मंडे को जब वो स्कूल आती है, देन शी गॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि रिसेप्शन से क्लासरूम की तरफ जाते हुए एक बहुत ही बड़े लार्ज नोटिस बोर्ड पे उसकी वो असाइनमेंट्स एक सीरीज में साइंड शीट्स लगी होती हैं, और बच्चे और टीचर्स उसको देख रहे होते हैं, एंड शी गेट्स ह्यूज एप्रिसिएशन, क्योंकि टीचर के उस प्रेजेंटेशन से उसकी वो एक डॉटेड ही जो मार्क की हुई असाइनमेंट थी वो एक बहुत ही अच्छी नेचुरल आकृति की तरह प्रेजेंट होती है. वहाँ खड़ा हुआ एक बच्चा उसको बोलता है, यू आर ग्रेट, तुम तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, मैं फिर भी ये नहीं बना पाऊँगा. उसी वक्त वो रिसेप्शन के टेबल से, रिसेप्शनिस्ट से एक ब्लैंक शीट मांग कर उसको देती है कि यू जस्ट साइन इट, और फिर दूसरी शीट देती है कि अब इसके ऊपर तुम कुछ भी करो, बट यू शुड डू समथिंग, और वो उसको स्क्विगल बनाते हुए देखती है. कुछ देर में वो बच्ची बड़ी होती है, तो एक दिन उसका छोटा भाई इसी तरह घर पे अपने किसी होम असाइनमेंट के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है. वो इसी सीक्वेंस में उसको एनकरेज करके हॉलीडेज होमवर्क कंप्लीट कराती है. सी द साइकिल. अगर वो टीचर उस बच्ची को उस दिन येल करती, नैग करती, डांटती, इंसल्ट करती, कंपेयर करती, उसको ये रियलाइज कराती कि यू नीड टू डू इट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग, व्हाई यू कांट डू दिस, तब उस बच्ची में सर्वाइवल स्किल डेवलप होते. लेकिन उसको एक साइलेंट एनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन, हौसला, पेशेंस मिली. उसको, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग और सपोर्ट मिली, तो उसमें वो फ्लरिश हुआ स्किल डे बाई डे, और वो फिर उसके अंदर का एक परमानेंट फीचर बन गया टू स्प्रेड दिस पॉजिटिविटी, टू दिस फ्लरिशिंग टू ऑल अदर इन हर एनवायरमेंट. सो माई डियर पेरेंट्स, माई डियर एजुकेटर्स, माई डियर टीचर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी आर सपोज टू नर्चर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट एडल्ट्स, वी आर सपोज टू एंड वी आर एक्चुअली अकाउंटेबल टू नर्चर वेरी वेरी हेल्दी एंड फ्लरिश्ड एडल्ट्स हु कैन यूज देयर ब्रेन, बिकॉज एवरीबडी हैज सम गुड जीन्स इनसाइड. थोड़ी सी राइट स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो आप अपनों का और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए. उम्मीद है जिनका सवाल था उनको जवाब मिल गया होगा. शुक्रिया.